Hi students, welcome back to my channel Innovative Challenge. तब already पूर्वज पढ़ी थी mirror विषय students, उन तो बेसिक की जा numerical पूर्वज करे थी. आज यानी बढ़िया सब बुरे important fact फाइंड करना वाला question है तो सीओ रहती है भाई जब ले. बढ़िया properties of images, properties of images in concave mirror. तो बढ़िया composite ये तरह तो मैं एग्जाम ले क्रीबोर्ड को बात करते पूरे से क्या तो बोर्ड का मूल है हमारे कंपोजिट क्वेश्चन ऐसे बोलो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बोलो इमेज रहा प्रॉपर्टी कंकेट कर दर ये तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन मैं फार का हमने टेबल जरा कॉल से पूछ रहा है ना अरे फार का हम टेबल कर गया इधर आ सीरियल नंबर એટલે क्या ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट रो पोजीशन तापर गमन करबा इमेज रो पोजीशन तापर करिया कोन नेचर ऑफ इमेज तापर करिया साइज तापर करिया मैग्निफिकेशन देन ड्रा करिया फिगर फिगर तो ये 3 मिनिमम बेसिक इज हम करिया करबो और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन ने ना लिखा हम 3-4 पेज रे ताको ने मात्र 40 पाड़ तक लिखे मुंडा देखि ले बेटा हां अपना सीरियल नंबर 1 करिया आय कोन जना कोन था कॉनकेव मिरर फास्ट ड्रा करना कॉनकेव कॉनकेव अब फास्ट मु दूर था को दूर दूर रे पाख दे सपोज बहुत दूर रे अछि सपोज माने कॉनकेव मिरर था बहुत दूर रे अछि माने इन्फिनिटी बहुत दूर था माने इन्फिनिटी हो जदि ऑब्जेक्ट अछि आर इन्फिनिटी जदि ऑब्जेक्ट आ इन्फिनिटी पॉइंट रे थाए बहुत दूर रे थाए त एमे का बोलि हम देखि हम ड्रा करिया इन्हें बहुत सारा पैरेलल लाइन से कोई इंसिडेंट रे ड्रा कर गया और कॉनकेव मिरर पाई जितने भी सब पैरेलल इंसिडेंट रे आसीबो समस्त रिफ्लेक्शन कला पे कोटीए पॉइंट रे आसी मिल के जे ताले कोन बुझले फोकस पॉइंट रे इमेज पाले तो हो तो इन्फिनिटी पॉइंट रे ऑब्जेक्ट का बेले इमेज का कोठी होची फोकस पॉइंट रे कारण इमेज मेले कोन की मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन रे तो बहुत गुड़े रिफ्लेक्शन रे जो जगह कंपेयर होती सेही इमेज फॉर्मेशन हुए तला हमें देखले जदी ऑब्जेक्ट आ छी इन्फिनिटी पॉइंट रे इमेज का कोठी होची फोकस पॉइंट पे जी बाई आर एफ आर एफ लाग जी बुझियो आको मत जाना अपन का प्रूफ करि परिबा हमर फार्मूला ला 1/3 क्रॉस 1/2 समान 1/2 1/3 टा v रहबा v टा राखो छे 1/q u हला इन्फिनिटी आ यूरा वो नेगेटिव हो माइनस इन्फिनिटी समान 1/f बुझला तमे अगर मैथ रे पढ़ के आस्तो समथिंग बाय इन्फिनिटी माने 0 तो 1/v + 0 समान 1/f तले v समान एक ना नहीं तले इमेज का कोई होती फोकस पॉइंट रे होती आर ए ना बुझो नेचर पण फोकस का कोई होती कॉनकेव रो फ्रंट रे होती ना मिरर रो फ्रंट रे होती देखा इन फ्रंट ऑफ मिरर इन फ्रंट ऑफ और जब कॉन्वेक्स मिरर को लिया से बैक रे मतलब फोकस पॉइंट है नेचर नेचर कौन हो कॉनकेव नेचर एडी फोकस पॉइंट कौन हो जी फोकस डाला फ्रंट रे हो जी फोकस रे हो जी के इमेज तो कॉनकेव रे फोकस कौन देखिया था तार फोकस कौन हो कॉनकेव रो कॉनकेव गुंठा के अंदर नेगेटिव फोकस रो नेगेटिव फोकस पॉइंट नेगेटिव माने भी नेगेटिव माने कारण फोकस पॉइंट रे इमेज आ होची भी भी नेगेटिव हो यदि नेगेटिव रे भी जा इमेज ना केतर मा हो तो जब के ऊपर कह दिली वेरी गुड नेगेटिव पे उल्टा उल्टा मींस इनवर्टेड और जे इनवर्टेड से रियल तो नेचर ऑफ रियल आ इनवर्टेड ना किसी बुझियो नहीं मुझे ना बुझियो नहीं ये इमेज रा साइज है अब चित्र रे बुझ ले इमेज ना कोठी कोला कोन फोकस रेला एरे कोन की बिंदु रे एंड छोटो बिंदु होला पर इमेज बिग वन वेरी वेरी स्मॉल साइज मतलब वेरी वेरी स्मॉल ना वेरी डिमिनिश वेरी स्मॉल को ना वेरी डिमिनिश को और वेरी डिमिनिश आ कोन था कोन को पॉइंट को ली कोन की डिमिनिश और पॉइंट तर जदी आ कोन दर्पण थरो बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट कोन कॉनकेव मिरर था
अरे इन्वेस्टमेंट बहुत छोटिया दिखे हमको तरे बिंदु होले हा होला वेरी स्मॉल और वेरी डिमिनिश लाइक ए पॉइंट तर एम बार दिखे एम कहले मैग्निफिकेशन देखिबा एम रा फार्मूला कोन की माइनस वी बाय क्यू अब डाटा केगा एम माइनस वी बाय क्यू वी ता कोन हमरा मिरर मेन दि नजर को लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड कोन तो लेफ्ट साइड रे अछि ऑब्जेक्ट इनफिनिट रे लेफ्ट साइड रे अछि इमेज फोकस पॉइंट रे तो यू नेगेटिव वी भी नेगेटिव ना बुझियो की यू नेगेटिव वी भी नेगेटिव तरे के माइनस ऑफ माइनस वी बाय माइनस क्यू ना बुझियो हमरा फार्मूला लाइन वी बाय यू तो वी जे नेगेटिव क्यू भी नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस वन नहीं वी माइनस क्यू ही जीवो बाय माइनस वी बाय क्यू तोड़ा कौन है ये हमरा नेगेटिव हो रहा है हमारे सही वो कौन माइनस है जब नेगेटिव जब नेगेटिव ऐसे हो रहा है जब नेगेटिव है ना क्या करना है सब बड़े कॉन्केव मिरर हमारा नेगेटिव का रिलेशन ये तो नेगेटिव ही हो रहा है अब फिगर है यार ड्रॉ करें फिगर ना कुछ होगी अब फिगर ड्रॉ करें ना कुछ होगी क्या हमारा सही नंबर वन देन फिगर टू कैसे हम टिक्की पाख को भी देखे कौन हो जी ता लाग जा मैं इनफिनिट पॉइंट देख ली आ टिक्की हम पाख को आसे पाख को भी कोठी ता सेंटर ऑफ कॉर्पोरेट पाख पर कैसे ना नहीं एटा हमरा कॉनकेव मिरर ये रहा हमरा प्रिंसिपल एक्सिस अकुनियो पोल अकुनियो एफ फोकल लेंथ अकुनियो फोकल लेंथ ऑफ दिगुणा 2f आकु मते कोन दिस सी सेंटर ऑफ कॉर्पोरेट पर ता आगम के इनफिनिट पॉइंट आ टिक्के नु पाख को आकुले मन को 2f रो पाख बाई को तो मैं 2f रो बाहर ले 2f रो बाहर आकुले बियोन बोली को बियोन मतलब क्या बियोन 2f बियोन को कौन की बाहर 2f रो बाहर आकु तो सी बोली को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोली पता नहीं हो ऑब्जेक्ट रो की सेंटर ऑफ कर्वेचर रो बाहर रो इबे अगर इमेज हम कर गया इमेज में हम कितोटी रे आवश्यक मिनिमम दुटी रे आवश्यक फर्स्ट रे रेवा जो रेट ऑफ प्रिंसिपल संगे रे पैरेलल से रिप्लेसन करला पर कोन हो फोकस पॉइंट दे पास करबो तो बेटा को जदी पूर्व पॉइंट हो आ जो रेट पड़िबो कोल ऊपर से इक्वल एंगल पर पड़े आसो जति को एंगल ऑफ इंसिडेंट जति को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो दीटा पर रिफ्लेक्टेड रे जो पॉइंट रे मीट करिवे सेई टाइम पर इमेज हमरा नहीं को लेकिन हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देले एटा नाम हमरा इमेज यार नाम दी ए बी थी वो ये नाम हमरा ए डैश बी डैश पर इमेज का कोड याला 2a अब एक मध्य रे बिटवीन ए एंड 2a अब बिटवीन ए एंड सी पर कौन लिखे हमने को बिटवीन ए एंड 2a एक्चुअली एटा पे ड्रा करे तो बिटवीन ए एंड 2a तर नेचर लिखा नेचर कोन हो जी नेचर कोन लिखा ये एक दिन चित्र को देखे ना बोलते पूछ जीवो ये तोड़ को से नहीं तोड़ पर उल्टा हो छी उल्टा कोन हो भी इनवर्टेड कोन हो आ जे इनवर्टेड सी है रियल लिखा रियल आ इनवर्टेड ना बुझियो नी रियल आ इनवर्टेड त साइज कोन हो देख लो इडा ना बड़ो साइज के स्मॉल ना नहीं लिखा स्मॉल साइज तब खाली सुबह ताला केवल मोटी मिले तो मैं इतनी मदद रखो हमें जितनी पाकू पाकू दिया ये साइड का बॉडी मिले हमें तो कौन था जो बहुत दूर रह रहे थे हमें तो अपने छुट्टी आ रही है मेरे से हमें जितने पाकू दिया हमें इतनी की मेटर बॉडी बॉडी को ताला हम इतने पाकू बोले ना इतने ही बोल रहे थे ना के बहुत डिमेज ना के बड़ा स्मॉल है ना कुछ हो नहीं इतनी की वेतु उल्टा ना उल्टा भाई एंड अपन हो मतलब ये लगे इंपॉर्टेंट इमेज पहले एंड अपन इतनी जो नेगेटिव ना सबड़े उल्टा करे लेकिन नेगेटिव सीधा करे पॉजिटिव मुझे ना मुझे और हाउ टू बैक हो गया आपने बोल पूरी ड्रा करेगा अकुनियो कॉनकेव मिरर अकुनियो प्रिंसिपल एक्सिस एटा पोल ये फोकस पॉइंट अकुनियो 2a एदार कौन करेगा 2a को आसेगा फोकल लेंथ रो दिगुणा को आसेगा 2a को आसेगा हमें टिक्के पाखु को आसेगा एथेन पुनी ड्रा करिया तले सीरियल नंबर 3 लिखला हम कोठी अछे 2a पे अछे कोठी आर 2a आपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोली कोन सी बोली कोन सेंटर ऑफ कर्वेचर
और डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऊपर तो r बोल के होंगे तो r का 2x है ना कि कुछ नहीं r का 2x है ताले हमें इमेज है बुडूस एबे हमें इमेज लाग गया हमें दी जाने वाली इंसिडेंट रे फास्ट जो रेटा प्रिंसिपल संग रे पैरेलल हुए तो रिफ्लेक्शन कोला पर कौन हुए फोकस पॉइंट पे पड़ी असे ना बुझोनी आउ जो रेटा पोल ऊपर पड़े जितनी डिग्री एंगल करे उतनी डिग्री एंगल में पड़े से माने ये पक्ष ऊपर फेरिया से मारे पर लो इकरा में बहुत ज्यादा नहीं तो मतलब जो कॉपी पर कर लो स्केल है ना ये तो एक्यूरेट है सो तो हाथ डिग्री एक्यूरेट हो नहीं होगा ये तो ये के दूर हो गए ताले तुम एक लोग का पॉपअप हो गया देखो एक्चुअली ये है तुम्हारा जोड़ थो अपने तो सही जगह पर गई है इसी तरह घूम देगा मैं ड्रॉ कर जाते देखो ये इक्वल एंगल एक ड्रॉ कर दियो लाइन है आपको ये इक्वल एंगल ले ड्रॉ करो इक्वल एंगल ले और एक देखो तुम एक की जहां लाइन जॉइन कर हम एक ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर लाइन तो ये वाला इमेज है जोड़ दिला ऑब्जेक्ट से जाके रख ली मैं ना नहीं पर कोड ने कहा सेम 2f ऐड 2f अरे हमारा फॉर 2f रे ऑब्जेक्ट का 2f रे इमेज तो हमें क्या क्वेश्चन पड़ी हो इन व्हिच केस और इन व्हिच पोजीशन इन व्हिच पोजीशन ऑफ द मिरर फॉर द ऑब्जेक्ट द इमेज इज प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन माने ऑब्जेक्ट का को पोजीशन पोजीशन पे इमेज अपन सही जगह रे रहो माने हम ऑब्जेक्ट को गुड रखले इमेज अपन सही जगह रहो कोठी आ टू वे बस सेंटर ऑफ कर दे ए टू वे मेला ने तो हम को लेक्चर का बेटा ही उल्टा नहीं इट भी उल्टा जी उल्टा से रियो तो रियो लागे इनवर्टेड ना बुझे हो नहीं रियो लाओ इनवर्टेड मुदा कौन कर इतनी यार काफी बोल गया है कि साइज बड़ी बड़ी हो आगो जरा छोटा बिंदु थिला तापर के स्मॉल हैला तापर के कौन हो गेलो पुनी आ के बड़ी हो बड़ी के कौन हो समान भेरी हो के समान भेरी हो सेम साइज भेरी हो ना बुझी हो नी सेम साइज पर जब तीन साइज रहो थे लाइक ना फिगर तो मैं हाथ रिगो ले तो सेम हो नी तो मैं तेरी पेंसिल रिगो ले तो एकदम परफेक्ट सेम हो तो जब तीन साइज रहो ऑब्जेक्ट से तीन साइज रहो अपना ही है कुटी सेंटर ऑफ पावर 2f तो जब सेम साइज ही हो अगर ए कोणा पर ए पहले बाकी कोण पर ए का कोण हो एठी भी ते जरा उल्टा ना नहीं उल्टा पे सबले ए नेगेटिव एठी भी ए का नेगेटिव असिबो ये हम भी कर ना करबो ना बुझियो नी पुणे आपने काकु दिया रे क्या कोण छे सपोर्टिव फोर जो छे आकुनिया कॉन्केव इधर आकुनिया प्रिंसिपल एक्सिस आकुनिया पोल कौन दी यार फोकस पॉइंट आकुनिया 2f हमें धीरे धीरे पाक बस हमें 2f पे फोकस करते इधर आप ठीक है पाक हो गया 2f पे कोई एक मत जुगस का मजरू अर्थ में तो एग्जैक्टली मत जुग फैक्ट की नहीं तो देखो ना जाएगा 2f का एक का भीतर रह हुआ बिटवीन a एंड 2f तो लिखा बिटवीन a एंड 2f तो इमेज है पॉइंट हो जी हमें पूर्ण की तरह ड्रा करेगा जेउ रेखा प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल से रिफ्लेक्शन कोला पर कौन करबो फोकस पॉइंट दे पड़े आसीबो आउ जो रेखा पोल ऊपर पड़िबो जति डिग्री एंगल रे पड़ितला सेति डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्शन करबो ताको हम नो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो जी ए जी जान लाइन पर जेउ पॉइंट रे हिट करिवे तोर ए इमेज फॉर्मेशन इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिया प्रिंसिपल एक्सिस को तो हम ने फुल सॉरी बोले एम सॉरी फ्रेंड्स इधर फुल एक्चुअली तुम्हारे इधर आके पढ़ो ना थोड़ा ये बाहर का से हो ना इसके बाद पढ़ो ये सॉरी ये हो ना तो ये जगह है वो एक हो ना कुछ होगी तब इतनी बार हम जितनी भी ऑब्जेक्ट को पाक को लगा सकते हैं ये मेटा दूरी है आज कुल बोलना पड़ गया कौन कहेगा तो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या टू एफ है इमेज ना कौन ही आपके ये क्या है हम तो उधर तो बोले इमेज तक है ये क्या टू एफ है ऑब्जेक्ट तक टू एफ है तो टू रो उल्टा ना हो यदि ऑब्जेक्ट है ये क्या टू एफ है तो इमेज कौन है वो बी डॉन टू एफ टू एफ का पार्ट है ना वो था मुझे होनी तो खाली कभी उल्टे ही होगा अच्छा मैं बहुत ही नहीं थी तो खाली कभी उल्टे ही मंगल रही हो तारे कौन क्या हुआ बियोन
ना बुझे होनी अमर 2f सुन त माने तीनटा मन रे मन रखबो या पर तीनटा पॉइंट लिखिबा खाली आपन उल्टे दबा तम करे इतकी मन रखे दबो या पर तीनटा खाली उल्टे दबा तले 2 उल्टा के 4 2 गुना ऑब्जेक्ट आ को 2f का बाहर दिला त करे अमर 4 एने करे 2f का बाहर 2 गुना एलिमेंट आ एक का 2f भीतर 4 गुना एक का 2f भीतर ना बुझे होनी ताले देन फोकस आंदर जति जति पाकु जा इतकी इवेंट दूर है इसको आउटिंग मने से बड़ा बड़ा गेस ताले में या पूर्व पदल पड़ गेले समान साइज होतला एठिया टिके बड़ा होई हो एबे देखा हम नेचर आ नेचर केटा कोन है उल्टा ना नहीं को उल्टा है अब हमें रियल लाइन इंपोर्टेंट तर साइज कोन दे कोई मेरा सीधे बड़ा बने सीधे बड़ा वाला अगर अगर छोटिया था पॉइंट था तब पर ये स्मॉल है तब पर सेम है सेम पर कौन हो बड़ा कौन है तब तो भी मैग्नी कर दो मैं तो एक तेरे उल्टा होता नहीं उल्टा पर ये कर मामा नेगेटिव है क्यों नेगेटिव है क्यों ना कुछ क्यों दे प्रॉपर्टी थाई के क्या है अमेर कौन कर रहा पूर्ण भाग करे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोड दे आप के पाक हो जाएगा हमें फोकस पॉइंट का सर नहीं ना ए 2 ए हमें 2 ए पर दे 2 ए पर ए बिंदु का दे एक ना ए पर का सर हमें के ए पर रखे ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट रखे ऑब्जेक्ट दीदा देगा जो रेटा प्रिंसिपल से करे पैरेलल रिफ्लेक्शन वाला पर फोकस पॉइंट नहीं पास करे आउ जो रेटा कोल ऊपर पड़ी वही कुआ लाइन के पड़े छ ए दीटा कोण ना करले दीटा पर पैरेलल रे नहीं होने तो दीटा पैरेलल रे जी कोण के फ्रेम नहीं लेवे नहीं टू पैरेलल रे नेवर मीट ए मन दी मन के फ्रेम मीट नहीं पाले की यदि मीट हेबे तो मैथमेटिक्स कोनी इनफिनिटी पॉइंट रे मीट हेबे इनफिनिटी पॉइंट रे मीट आर इनफिनिटी अलावा वन का ऑपोजिट के फाइव ताला को लिखला हमर कोन हो चुका ऑब्जेक्ट का फोकस पॉइंट रे छस अगर के आर फोकस पॉइंट आर ए तर इनमे का कोन है ना इनफिनिट नहीं लिखला आर इनफिनिट ना बुझियो इनमे हमर वन और बेटा का फाइव का इनफिनिट रे ऑब्जेक्ट फोकस रे इमेज फोकस रे ऑब्जेक्ट इनफिनिट रे इमेज तर उल्टा नेचर तो लो ए क्यों से उल्टा नहीं है क्यों से नहीं है ड्रॉ करे थोड़ा ये कड़े उल्टा करे उल्टा क्यों तो जो उल्टा से दियो तो जो हमारे से दियो ना ये बहुत बड़ी हो ना मुझे होनी साइज कौन है वो साइज कौन है आमिर बड़ी बड़ी हो सिर्फ आमिर का नहीं हो बस इल्ला जो को इल्ला जो भी कौन दी ये टाइम कौन रखो नेगेटिव हुई हो फिगर राइट है और लास्ट केस का अगले को दें डंडे कॉन्किंग मिरर में पोल फोकस पॉइंट 2f तो जहां वाला ऑब्जेक्ट है वो की कर यदि ऑब्जेक्ट में फोकस का होता है तो पोल अगर मैं आउट ही पाक दूंगा एंड फोकस पॉइंट है पोल मध्य रख गया ठीक है बोल से बोले इधर बहुत प्लेयर बोल जदि ओरे कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट आ फोकस पॉइंट आ पोल रा मध्ये अछि तर इवेंट आ कोनो हो हमें ड्रा करिया इंसिडेंट रे जो रेडा प्रिज्म रे पैरेलल से रिफ्लेक्शन कला परे कोन फोकस पॉइंट रे पास करियो आउ जो रेडा पोल ऊपर पड़िवो से इक्वल एंगल रे इंदी इन पड़े तो रे पड़े तो जाना वाला येड़े जाना ए माने डाइवर्जेंस रे हमें पूर्व प्रति पैरेलल रे यदि मीट रे इनफिनिट मीट है तो डाइवर्जेंस रे के मीट नहीं करेले कि जीवन के भले मीट है ए माने नेवर मीट पर ए माने के मीट मिरर रे फ्रंट रे मीट नहीं करेले यदि ए माने एपटे मीट नहीं करेले तले कोन करिया बैक साइड रे एक्चुअल लाइन ड्रा करिया एक्चुअल लाइन ड्रा करिया ए दीटा एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे जो पॉइंट रे मीट करबे शेख हमें ड्रॉ करा कंप्लीट वाला लाइन तो रे ये हो फाइनल लाइन एटा कर ए डैश बी डैश
तमरे के मैक्सिमम में क्वेश्चन हो फिगर के ऊपर तमरा क्वेश्चन पड़ेगो कि इन व्हिच पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट फॉर ए कॉनकेव मिरर द इमेज इज फॉल ऑन इट्स बैक साइड और नेचुरल आनी है कितने बड़े व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल जबकि ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट एंड पोल मध्ये रहियो केवल एही गोटीए केस रे इमेज का दपण पक्ष पटे हो मतलब संपूर्ण दपण फॉर्म फॉर्म रे आउ केवल एही गोटीए केस रे इमेज का नेचुरल लागे आ सब बेले की होला गे कोन इनवर्टेड ता तमे अपले मतलब का हमरा समस्त केस रे गोटे कॉनकेव मिरर पाई मिरर पाई समस्त केस रे इमेज का रियो लागे इनवर्टेड ही लागे केवल गोटीए केस रे बात कर रे से केस कोन यदि तोर ऑब्जेक्ट का फोकस पॉइंट एवं पोल मझिए रहिबो नाकि बुझि होनी आ लेखे बेटा देखो चित्र द आपली बोल जाय खाली पॉइंट 6 लिखिया त हमरो कोड थिला कर ऑब्जेक्ट का बिटवीन पोल एंड फोकस तर इमेज का कोड परमिशन हला वेरी गुड बिहाइंड द मिरर द प्रॉपर पक्ष हो बिहाइंड द मिरर तो साइज का अंतर नेत्र प्रमा बैठे अपास वेरी गुड थैंक यू रे वर्क करे केवल एक गुटी के तरह वर्क करे सफल हो गई अलग इंपोर्टेंट इट साइज का नाम कहलो मैग्नेटिक वाला मैग्नेटिक साइज आउ जे सीधा ता पे एम का कोण सीधा पे पॉजिटिव हो गई तो गुटी के तरह वाला पॉजिटिव ता सब थेला नेगेटिव तो बोले दिला कॉनकेव मिरर पकड़ तो एटा बलसे दी मन रखियो टोटल पूरा पेज सो और एटा ही जरूरत ना Thank you for your time.